हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम मेहरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। कन्नड़ फिल्म एक्शन से भरी बेल बॉटम का रीमेक करेंगे अक्षय कुमार। बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार आए दिन अपनी किसी न किसी फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्षय की आगामी फिल्म यू तो गुड न्यूज है, जो कि इसी साल 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा अक्षय कुमार की एक और फिल्म को लेकर खबर सामने आई है। ये फिल्म कन्नड़ फिल्म का रीमेक है, जिसमें अक्षय कुमार धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आएंगे। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो कन्नड़ फिल्म बेल बॉटम इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी, जिसमें ऋषभ शेट्टी और हरिप्रिया लीड एक्ट्रेस थे। यह 2019 की सबसे बड़ी कन्नड़ हिट्स में से एक रही है और भरपूर एंटरटेनमेंट होने के कारण फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। कन्नड़ की फिल्म बेल बॉटम 70 और 80 के दशक के एक जासूस की कहानी पर बनी है। कन्नड़ फिल्म बेल बॉटम में ऋषभ शेट्टी और हरिप्रिया मुख्य भूमिका में नजर आई थी। फिल्म में 80 के दशक की खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। इस फिल्म से अक्षय और निखिल के अलावा प्रोड्यूसर वासु भागनानी भी जुड़ चुके हैं। निखिल ने फिल्म देखते ही इसके राइट्स खरीदने के पीछे पड़ गए थे, जो कि उन्हें सौंप दिए गए हैं। फिल्म को रंजीत तिवारी डायरेक्ट करेंगे। हालांकि अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। और आपको बता दें कि अब अक्षय कुमार ने 2021 की बुकिंग भी अभी से शुरू कर दी है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ये 22 जनवरी 2021 को रिलीज हो रही है, यानी कि 2021 का पहला त्योहार और 26 जनवरी वीकेंड अक्षय कुमार ने अपने नाम कर लिया है। अक्षय और निखिल की ये फिल्म एक्शन और मनोरंजन से भरपूर होगी। हाल ही में हाउसफुल 4 में टशन दिखाने वाले अक्षय कुमार की इस फिल्म ने 170 करोड़ का धमाकेदार बिजनेस अभी तक कर लिया है। दमदार प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई ने इसे साल की बड़ी फिल्मों में शामिल कर दिया है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों में सूर्यवंशी, वचन पांडे, पृथ्वीराज और लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवीज भी हैं। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी न्यूज को today.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।